Hello dear children, today we are going to solve practice set 2.6 class 10th maths part 1. Question number 1, product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. अभी यहाँ पे हमें प्रगति का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है. तो फर्स्टली यहाँ पे क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट यानी क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन करना है किसका, प्रगतिज एज टू इयर्स एगो, यानी दो साल पहले प्रगति का जो एज था उसका, और एंड थ्री इयर्स है, तीन साल के बाद उसका जो एज है, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना है, 84 दिया गया है. तो ये कंडीशन को यूज करके हमें उसका प्रेजेंट, उसका एज हमें फाइंड आउट करना है. यानी यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है, यानी हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, लेकिन कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है, प्रगति का जो दो साल पहले का जो एज था उसका, और तीन साल के बाद उसका जो एज है, ये दोनों का करना है मल्टीप्लीकेशन. और उसका आंसर कितना है, लेकिन आंसर है 84. ये कंडीशन यूज करके हमें प्रगति का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है. तो अभी यहाँ पे तो हमें ये एग्जाम्पल समझ में आ गया. अभी हम जो जो दिया गया है उसको अच्छे से राइट डाउन कर लेते हैं. देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है. यानी हमें प्रेजेंट एज पता नहीं है, इसलिए हम अज्यूम करेंगे उसका जो प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर है. तो राइट डाउन करेंगे, देयरफोर प्रगतिस प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर्स, यानी उसका प्रेजेंट एज कितना है, तो एक्स ईयर्स है. अभी यदि उसका आज का एज एक्स ईयर है तो उसका दो साल पहले का एज कितना होगा, यानी आज का जो एज है उसका, उसमें से हम दो को घटा देंगे, दो को माइनस कर देंगे. देयरफोर प्रगतिस एज बिफोर टू ईयर्स, यानी दो साल पहले उसका एज कितना होगा, इक्वल टू एक्स माइनस टू ईयर्स. इसका दो साल पहले का एज एक्स माइनस टू ईयर्स होगा. अभी यहाँ पे दिया है थ्री ईयर्स हेंस, यानी तीन साल बाद उसका एज कितना होगा, तो राइट डाउन करेंगे, देयरफोर हर एज आफ्टर थ्री ईयर्स, यानी तीन साल बाद उसका एज कितना होगा, आज का उसका एज है एक्स ईयर, तो एक्स में थ्री को ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा उसका तीन साल बाद का एज. इस प्रकार से हमें यहाँ पे अभी प्रेजेंट एज पता चल गया, उसका दो साल पहले का एज पता चल गया, और तीन साल बाद उसका एज कितना होगा वो भी पता चल गया. अभी यहाँ पे दिया गया है कि जो प्रोडक्ट है, दो साल पहले का एज और तीन साल बाद का एज, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, उसका आंसर है 84. तो कंडीशन यूज करेंगे, देयरफोर बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, इस कंडीशन को हम यूज करेंगे. यानी x माइनस टू और x प्लस थ्री दोनों का क्या करना है हमें, मल्टीप्लीकेशन. तो दोनों का प्रोडक्ट का आंसर कितना है, 84 है. तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, इस x से x प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x इन ब्रैकेट x प्लस थ्री. अभी माइनस टू से x प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 84. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू थ्री थ्री एक्स माइनस टू इंटू एक्स टू एक्स माइनस टू इंटू थ्री माइनस सिक्स इक्वल टू 84. एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स के तो वन एक्स, यानी एक्स माइनस सिक्स. 84 को लेफ्ट को लाते हैं तो माइनस 84 इक्वल टू जीरो. यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 90 इक्वल टू जीरो. अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. अभी इसका कोएफिशिएंट है वन, और यहाँ पे लास्ट में जो नंबर है वो कितना है, माइनस 90 है. तो वन इंटू माइनस 90 क्या, तो माइनस 90 उसका मल्टीप्लीकेशन मिल गया हमें. तो हमें दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 90 हो, यानी 10 नाइनजा कितने होते हैं, 90 होते हैं. तो माइनस 10 या प्लस 10 इंटू माइनस 9 किया
तो -90 मिल जाएंगे, और 10 माइनस 9 क्या, तो प्लस 1, यानी सेंटर का जो नंबर है प्लस 1 वो भी मिल रहा है, यानी यहाँ पे प्लस 10 और माइनस 9 दोनों का मल्टीप्लीकेशन है -90, और दोनों को यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 1 मिलता है। तो राइट डाउन करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे x प्लस 10, माइनस 9 कॉमन निकल गया तो x प्लस 10 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे जो x प्लस 10 है वो सेम है, यानी x प्लस 10 वन ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 9 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे हमें दो टर्म मिल गई, तो राइट डाउन करेंगे देयर फोर एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे देयर फोर x इक्वल टू माइनस 10 और x इक्वल टू 9, यानी यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई। लेकिन यहाँ पे x का जो आंसर है वो निगेटिव नंबर है, लेकिन एज कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हमें x का आंसर क्या मिलेगा, 9। तो राइट डाउन करेंगे देयर फोर बट एज कैन नॉट बी निगेटिव, एज कभी भी निगेटिव नहीं होता, देयर फोर प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इक्वल टू 9 ईयर्स, यानी प्रगति का प्रेजेंट एज कितना मिल गया हमें, 9 ईयर्स मिल गया, क्योंकि यहाँ पे x की जो वैल्यू मिल गई थी हमें -10, लेकिन निगेटिव नंबर कभी भी एज में नहीं आता, इसलिए उसका एज कितना मिल गया हमें, 9 ईयर्स। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स इज 244, फाइंड द नंबर्स। अभी यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया गया है सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स। अभी नेचुरल इवन नंबर्स कैसे होते हैं, जैसे कॉन्जिक्यूटिव चाहिए यानी लगातार आने वाले चाहिए, जैसे 2 है, 2 के बाद इवन नंबर कौन सा आता है, 4 आता है, 4 के बाद कौन सा आता है, 6 आता है, 6 के बाद आता है 8, यानी 2-2 का डिफरेंस दोनों नंबर्स में है। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स है ये, तो यहाँ पे 2 के बाद 4 है तो 2 का डिफरेंस है, 4 के बाद 6 है तो 2 का डिफरेंस है, 6 के बाद 8 है तो 2 का डिफरेंस है। इस प्रकार से ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स है। अभी ये कंसेप्ट यदि आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये कैसे है, नेचुरल इवन नंबर से, नेचुरल इवन नंबर, लेकिन कैसे है वो नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव है, यानी एक के बाद 2 के बाद 4 ही आएगा, 4 के बाद 6 ही मिलने वाला है, 6 के बाद 8 ही नंबर मिलने वाला है। इस प्रकार के ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर से। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स है तो उनका स्क्वेयर करना है और उनकी सम करनी है, इस प्रकार से हमें ये सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे तो हमें कौन से वो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है वो पता नहीं है, तो अज्यूम कर लेते हैं लेट द फर्स्ट नेचुरल इवन नंबर इज एक्स। यदि हमने फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर अज्यूम किया x, तो सेकंड नेचुरल नंबर क्या मिल जाएगा, यानी उसके बाद वाला नेचुरल नंबर क्या मिल जाएगा, देयर फॉर फोर नेक्स्ट इवन नेचुरल नंबर इक्वल टू x प्लस 2। यहाँ पे हमने x प्लस क्यू राइट डाउन किया, क्योंकि यहाँ पे जो नेचुरल इवन नंबर से यहाँ पे 2-2 नंबर का डिफरेंस, यहाँ पे हमने x प्लस क्यू राइट डाउन किया। यहाँ पे देखो 2 नंबर है, 2 प्लस 2 किया तो 4 मिल जाएगा, 4 प्लस 2 किया तो 6 मिल जाएगा, 6 प्लस 2 किया तो 8 मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो सेकंड नेचुरल नंबर है वो मिल जाएगा हमें x प्लस 2, क्योंकि फर्स्ट नेचुरल नंबर था x, उसमें हमने 2 ऐड कर लिए तो सेकंड नेचुरल इवन नंबर हमें मिल जाएगा। अभी हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स तो मिल गए,
अभी इनकी क्या करनी है, हमें सम करनी है, सम ऑफ द स्क्वेयर्स, यानी सम तो करनी है लेकिन उनके स्क्वेयर भी हमें करने हैं। देयर फोर अभी कंडीशन राइट डाउन करेंगे। देयर फोर फ्रॉम कंडीशन, कंडीशन क्या दी गई है, एक्स स्क्वेयर प्लस सेकंड नेचुरल नंबर है, नेचुरल इवन नंबर x प्लस टू ब्रैकेट स्क्वेयर इक्वल टू, आंसर मिल रहा है हमें 244। अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वेयर प्लस अभी इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, तो हमें इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें देखो यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर इक्वल टू हमें मिल जाता है ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये है इसका फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर का स्क्वेयर दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय टू, तो टू टू जा फोर, फोर इंटू एक्स बन जाएंगे फोर एक्स प्लस टू का स्क्वेयर क्या, तो फोर इक्वल टू 244। अभी दोनों जो नंबर से एक्स स्क्वेयर इनकी एडिशन हो जाएगी, तो टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स। अभी देखो यहाँ पे ये जो फोर नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, प्लस है, जब वो राइट को जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 244 माइनस 4, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे नंबर मिल गया हमें 240। अभी यहाँ पे जो 240 नंबर है इसको हम लेफ्ट साइड को ट्रांसफ़र करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखो टू जो नंबर है उसे हर एक नंबर को हम डिवाइड कर लेते हैं, तो राइट डाउन करेंगे डिवाइड बाय टू, टू नंबर से हमें हर एक नंबर को डिवाइड करना है, तो हमें टर्म क्या मिल जाएगी, यहाँ पे देखो टू एक्स स्क्वायर को टू से डिवाइड किया तो यहाँ पे मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस इसको टू से डिवाइड किया तो यहाँ पे टू एक्स माइनस इसको टू से डिवाइड किया तो यहाँ पे 120 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लास्ट जो नंबर है वो है माइनस 120, तो यहाँ पे माइनस 120 नंबर को हमने राइट डाउन कर लिया। अभी इस प्रकार से हमें दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 120 है और जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें मिल जाएगी 2x, तो 12 टेंजा बनते हैं 120। यदि हमने 12 माइनस 10 किए तो यहाँ पे 2x मिल जाएगा, तो यहाँ पे इसको निगेटिव साइन लगाएंगे, तो राइट डाउन करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने x को कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा x प्लस 12 माइनस 10, यहाँ पे कॉमन मिल गए, यहाँ ब्रैकेट में बचा x प्लस 12 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे x प्लस 12 एक्स प्लस 12 सेम नंबर है, तो इसको एक ब्रैकेट में ट्रांसफ़र कर दे, सेकंड ब्रैकेट में मिला हमें x माइनस 10 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। देयरफोर यहाँ पे हमें x की क्या वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू 12 नंबर राइट को ट्रांसफ़र हो गया तो यहाँ पे माइनस 12, यहाँ पे मिल जाएगा x इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, जब वो राइट को जाएगा तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई हमें 10। अभी यहाँ पे हमें तो माइनस 12 वैल्यू मिल गई, लेकिन जो नेचुरल नंबर्स होते वो कभी भी निगेटिव नहीं होते, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे देयर फोर एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 12 नेचुरल नंबर्स आर नॉट निगेटिव, वो निगेटिव नहीं होते। देयर फोर एक्स इक्वल टू 10, फर्स्ट वैल्यू यदि हमारी 10 है तो सेकंड वैल्यू क्या मिल जाएगी, देयर फोर सेकंड वैल्यू थी हमारी एक्स प्लस टू इक्वल टू 10 प्लस टू इक्वल टू 12, यानी फर्स्ट वैल्यू मिल गई हमें 10 और सेकंड नेचुरल इवन नंबर मिल गया हमें 12। टू इवन नेचुरल्स मिल गए, दैट इज़ फर्स्ट नंबर इज एक्स इक्वल टू 10 एंड सेकंड इवन नेचुरल नंबर दैट इज 12। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, इन द ऑरेंज गार्डन मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर दैन ईच कॉलम,
फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, एक ऑरेंज गार्डन है जहाँ पे मिस्टर मधुसूदन है, उन्होंने 150 ऑरेंज ट्रीज लगाए है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम है, इस प्रकार से उन्होंने ऑरेंज ट्रीज लगाए है। देखो इस प्रकार से रोज और कॉलम, इस प्रकार से उन्होंने वो ऑरेंज ट्रीज लगाए है। यहाँ पे रोज और कॉलम में ट्रीज लगाए हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, 150 ऑरेंज ट्रीज है। यहाँ पे हमें फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। यहाँ पे फ्लो चार्ट से हमें ये एग्जांपल को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज एक्स, कॉलम में कितने ट्रीज लगाए हैं, एक्स, और इससे 5 ट्रीज ज़्यादा हर एक रो में लगाए है। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, यहाँ पे दिया गया है द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन ईच कॉलम, कॉलम में जितने ट्रीज है उससे 5 ट्रीज ज़्यादा हर एक रो में लगाए गए हैं, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो मिल जाएगा हमें x प्लस 5। अभी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने लगाए हैं, यहाँ पे रोज और कॉलम में ट्रीज लगाए गए हैं, इसलिए अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिल जाएंगे, यानी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5। ये दोनों का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन, तब जाके हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे नेक्स्ट फ्लो चार्ट में क्या दिया है, फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करना है, तो किस प्रकार से बन जाएगा, देखो देयरफॉर यहाँ पे कंडीशन दी गई थी x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, 150। अभी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू 5x इक्वल टू 150। देयरफॉर एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल टू 0। अभी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ये लास्ट वाला जो नंबर है 150, कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है, और वही दो नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5x हमें मिलनी चाहिए, तो 15 टेंजा बनते हैं 150। लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइन है तो इसको लगा देते हैं निगेटिव साइन। देयरफॉर यहाँ पे राइट डाउन करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इक्वल टू 0। देयरफॉर अभी यहाँ पे x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस 15, यहाँ पे माइनस 10 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे ब्रैकेट में मिल गया हमें x प्लस 15 इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे x प्लस 15 है, यहाँ पे भी x प्लस 15 है, तो कॉमन है इसलिए यहाँ पे ओनली वन टाइम राइट डाउन किया, और सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 10 इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। Therefore, x इक्वल टू माइनस 15 और x इक्वल टू 10। यहाँ पे पॉजिटिव था तो निगेटिव बन गया, यहाँ पे निगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव बन गया। लेकिन यहाँ पे जो माइनस 15 नंबर मिल गया हमें, वो ट्रीज की जो नंबर्स है, नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होते। Therefore, x इक्वल टू 15 एंड x इक्वल टू 10। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हमें कितने मिल गए, नंबर ऑफ ट्रीज x की वैल्यू तो हमें मिल गई, यहाँ पे x की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू यहाँ पे 15 भी मिल गई हमें, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है x इक्वल टू 10, तो यहाँ पे फाइंड x बोला था, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज 10। द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम, यहाँ पे x की वैल्यू 2 मिल गई हमें, फाइंड x, तो यहाँ पे x की वैल्यू है x इक्वल टू 10, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम, कॉलम की जो संख्या थी वो थी x, दैट इज कॉलम में कितने ट्रीज मिल गए हमें, 10 ट्रीज मिल गए, और नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, तो रोज में हमें कितने ट्रीज मिल गए, दैट इज 15। इस प्रकार से हमें यहाँ पे राइट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं भी राइट डाउन किया तो चल सकता है।
इस प्रकार से हमने यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज जो है कॉलम में कितने हैं और रोज में कितने ट्रीज है वो फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। यहाँ पे क्या कंडीशन दी गई है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, यानी विवेक जो है किशोर से 5 years से बड़ा है। तो अभी हमें क्या करना है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6। ये नेक्स्ट कंडीशन दी गई है, लेकिन फर्स्टली क्या दिया गया है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर, किशोर से वो 5 years से बड़ा है। यानी यदि किशोर का एज यदि एक्स ईयर है तो विवेक का एज कितना बन जाएगा, एक्स प्लस 5 years बन जाएगा। तो राइट डाउन करेंगे, देयर फोर किशोर एज इज एक्स ईयर। यानी हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि किशोर का एज कितना है, एक्स ईयर। देयर फोर विवेक्स एज इज एक्स प्लस 5 years। अभी हमें क्या करना है, सम करनी है, लेकिन किसकी, उनके रेसिप्रोकल की। देयर फोर जो एक्स है इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, 1/x, और जो x प्लस वाई है इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, 1/x + y। तो राइट डाउन करेंगे, फर्स्ट का रेसिप्रोकल यानी 1/x प्लस इसका रेसिप्रोकल 1/x + y। यानी यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस। यहाँ पे हमने क्या किया, सम किया यानी एडिशन की, किसके एडिशन की हमने, उनके जो एजेस दिए गए थे उनके रेसिप्रोकल की एडिशन की। तब जाके हमें कितना आंसर मिल रहा है, 1/6 इक्वल टू 1/6। यानी यहाँ पे हमने क्या राइट डाउन किया, जो कंडीशन दी गई थी उसी हिसाब से हमने यहाँ पे ये राइट डाउन कर लिया। अभी हमें इसको सॉल्व करना है, तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देयर फोर यहाँ पे देखो एक्स इंटू एक्स प्लस 5 × 1 किया तो क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस 5 + एक्स इंटू 1 किया तो यहाँ पे एक्स। अभी यहाँ पे दोनों का क्या करना होगा, नीचे मल्टीप्लीकेशन, एक्स इंटू एक्स प्लस 5 = 1/6। अभी यहाँ पे एक्स और एक्स दोनों के एडिशन बन जाएगी तो बन गया 2x + 5/ यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एक्स इंटू एक्स किया तो x² + एक्स इंटू 5 किया तो 5x = 1/6। अभी इसको हमें किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 (2x + 5) = यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x² + 5x बन जाएगा। अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 × 2x किया तो यहाँ पे 12x + 6 = बन गए 30 = x² + 5x। अभी यहाँ पे ये जो टर्म है इसको हम राइट साइड लाते हैं तो क्या बन जाएगी, देयर फोर x² + 5x जैसा है वैसे का वैसा, यहाँ पे इसको राइट साइड लाया तो यहाँ पे -12x बन गया और ये 30 जो पॉजिटिव है वो भी निगेटिव बन गया, = बन गई यहाँ पे 0। अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, x² + 5 - 12 किया तो यहाँ पे 12 - 5 किया तो यहाँ पे -7 मिल जाएगा, तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, -7x - 30 = 0। देयर फोर यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, x² - 7x - 30 = 0। अभी यहाँ पे देखो लास्ट नंबर है -30, तो हमें -30 मल्टीप्लीकेशन चाहिए। इस प्रकार से दो नंबर फाइंड आउट करो कि हमें -30 मिल जाए, 10 × 3 = 30 होते हैं, लेकिन -30 चाहिए और उसी दो नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हमें -7 मिलना चाहिए। यदि हमने -10 और 3 किया तो -30 मल्टीप्लीकेशन है और -10 + 3 किया तो यहाँ पे -7x मिल जाएगी। देयर फोर x² - 10x + 3x - 30 = 0। देयर फोर अभी यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा x, तो ब्रैकेट में बच गया हमें x - 10 + 3 (x - 10 = 0। यहाँ पे x माइनस टर्म 10 की जो टर्म है वो क्या है, इक्वल टर्म है,
इसलिए हमें क्या करना है, उसको बाहर निकालना है। और सेकंड ब्रैकेट में बचा x प्लस 3 इक्वल टू 0। देयरफोर x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। देयरफोर x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू माइनस 3। लेकिन यहाँ पे जो माइनस 3 वैल्यू है तो h कभी भी निगेटिव नहीं होता। देयरफोर x इक्वल टू 10, दिस इज द एज ऑफ किशोर। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफोर किशोर्स एज इक्वल टू 10 ईयर। यदि किशोर का एज 10 ईयर है तो विवेक का एज क्या बन जाएगा? देयरफोर विवेक्स एज इक्वल टू x प्लस 5 इक्वल टू 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 ईयर्स। यानी वो किशोर से 5 ईयर से बड़ा है इसलिए उसका एज बन गया 15 ईयर्स और किशोर का एज क्या मिल गया हमें? 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट। यानी उसको जितने मार्क्स सेकंड टेस्ट में मिले थे उससे 10 मार्क्स ज़्यादा उसको सेकंड टेस्ट में मिल गए। यानी सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट। यानी फर्स्ट टेस्ट में उसको जितने मार्क्स मिले थे उससे 10 मार्क्स ज़्यादा उसको सेकंड टेस्ट में मिल गए। अभी यहाँ पे क्या दिया है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट इज सेम एज स्क्वेयर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। यहाँ पे कंडीशन दी गई है तो हमें फर्स्ट टेस्ट का स्कोर फाइंड आउट करना है। फर्स्टली जो दिया गया है वो हम राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि जो उसको सेकंड टेस्ट में यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट टेस्ट में उसको जितने मार्क्स मिले उससे 10 मार्क्स ज़्यादा उसको सेकंड टेस्ट में मिल गए। देयरफोर राइट डाउन करेंगे, देयरफोर स्कोर्ड सुयश स्कोर्स, इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, लेट द मार्क्स स्कोर्ड इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट इक्वल टू एक्स। यानी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में सुयश को कितने मार्क्स मिल गए? x। अभी उसको सेकंड टेस्ट में कितने मार्क्स मिले वो राइट डाउन करेंगे, द मार्क स्कोर्ड बाय सुयश इन सेकंड यूनिट टेस्ट इक्वल टू उसको फर्स्ट टेस्ट में जितने मार्क्स मिले थे उससे 10 मार्क्स ज़्यादा उसको सेकंड टेस्ट में मिल गए। यानी सेकंड यूनिट टेस्ट में उसको कितने मार्क्स मिले? x प्लस 10। अभी कंडीशन दी गई है, देयरफोर बाय यूजिंग कंडीशन, अभी यहाँ पे क्या कंडीशन दी गई है देखो, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, यहाँ पे इसका 5 टाइम्स बनाना है। यानी 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 10 करने हैं। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट इज सेम एज स्क्वेयर ऑफ द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। यानी फर्स्ट टेस्ट में जो उसको जितने मार्क्स मिले थे उसका स्क्वेयर जितना होगा वो दोनों इक्वल है, इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर। यानी दोनों अभी कैसे है? इक्वल है। उसके जो सेकंड यूनिट टेस्ट के मार्क्स है उसके 5 टाइम्स इक्वल है। किसके साथ इक्वल है? जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जो मार्क्स थे उसका स्क्वेयर यदि हम करते हैं तो दोनों इक्वल है। अभी इसको सॉल्व करना है हमें, 5 इंटू एक्स क्या तो 5x प्लस 5 इंटू 10 क्या तो 50 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से राइट डाउन करेंगे, एक्स स्क्वेयर, अभी इस टर्म को हम राइट साइड को ले जाते हैं, माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। देयरफोर अभी यहाँ पे लास्ट नंबर है माइनस 50। अभी कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है कि हमें 50 मिल जाएगा? तो 10 5 जा 50 होते हैं और 10 माइनस 5 के तो माइनस, यहाँ पे हमें माइनस 5 नंबर चाहिए इसलिए हम यहाँ पे माइनस 10 प्लस 5 करेंगे। तो राइट डाउन कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। देयरफोर यहाँ पे x कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में बचा x माइनस 10 प्लस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे x माइनस 10 है, यहाँ पे भी x माइनस 10 है, देयरफोर x माइनस 10 इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट x प्लस 5 इक्वल टू 0। देयरफोर x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। देयरफोर x इक्वल टू 10
और x इक्वल टू माइनस फाइव। अभी यहाँ पे जो मार्क्स मिले हैं x इक्वल टू माइनस फाइव, लेकिन मार्क्स कभी भी निगेटिव नहीं होते, देयरफॉर द मार्क्स कैन नॉट बी निगेटिव। यदि निगेटिव मार्क्स नहीं होते तो हमें आंसर मिल जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 10 इज द आंसर। देयरफॉर यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, ये जो मार्क्स है वो फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क हमें मिल गए, तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर द मार्क स्कोर इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट इक्वल टू 10, यानी उसको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले, उसको 10 मार्क्स मिल गए। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 2.6 इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कम्प्लीटली सॉल्व किए हैं। आज का वीडियो कैसा लगा वो कॉमेंट करके बताना है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।